गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपना प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं उनका एक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं। अभी पता कर लेते हैं कि आपको ये कितना जो है वो बात याद है, सारे सिंपल का, कंटिन्यूस का, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो भी चार टेंस पढ़े उनका जो है हमने 20 सेंटेंस लिए हैं, और उन 20 सेंटेंस को आप मेरे साथ सरल करोगे और पता करो कि किस तरह से कौन सा यहाँ पे सही वर्ब जो है यानी करेक्ट फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पे आपको क्रिया का सही रूप जो भरना होगा, दैट गिवन इन ब्रैकेट, यहाँ पे दिया गया है ये। तो स्टूडेंट आज हम शुरू कर लेते हैं। आपको फर्स्ट वाक्य बताता हूं कि सी गो टू क्लब एट 6 PM दिल्ली। यहां पे ये बात जो नजर आ रही होगी 6 PM जो यहां पे दिया है दिल्ली। अब देखिए वह 6 बजे क्लब जाती है और आगे जो दिया हुआ है दिल्ली। अब आपको याद दिला रहा होगा कि दिल्ली कौन से टेंस में आता है। मैंने उस समय बताया था कि सिंपल जो प्रेजेंट है उसमें दिल्ली है, ऑलवेज है, एवरीडे है, ऐसे कई बहुत सारे ऐसे एडवर्बियल बताए। तो यहाँ पे सी के होने के कारण यानी एक वचन होने के कारण गो के साथ जो है वो क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे, यानी यहाँ पे क्या कर दोगे, गोज कर दोगे। तो ये सारे स्टूडेंट को ये बात याद होगी कि सिंगुलर जब होता है, एक सिंपल सेंटेंस हो और सिंगुलर अगर यहाँ पे सब्जेक्ट मिल रहा हो तो उस क्रिया के साथ या तो एस लगाते हैं या फिर क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको मैंने ये भी बताया कि उसका अंतिम अक्षर अगर इस प्रकार से हो, ओ हो या फिर सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, डबल एस हो, ऐसा होने पर आप उस क्रिया के साथ में क्या जोड़ दोगे, ईएस जोड़ दोगे। तो ये बात मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, गोज भरा जाएगा। अब गोज किस कारण से भरा, वो यहाँ पे दिल्ली की वजह से भरा। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, दिल्ली। इसकी वजह से हमें पता चला कि ये वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो एक बात तो ऐसे पता चली कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। फिर हमें क्रिया के साथ एस ई एस लगाने वाली बात सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें मालूम चली। चलो दूसरा सेंटेंस देखो, माई सन टॉक ऑन द फोन राइट नाउ। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जानकारी वाला शब्द मिल रहा है वो राइट नाउ। याद आ रहा होगा कौन सा टेंस है राइट नाउ लेता है। अभी राइट नाउ जो है वो प्रेजेंट के कंटिन्यूस में लिखाया गया। आपको ऐसे तमाम एडवर्बियल दिए, उन एडवर्बियल्स को याद कर लेना आप। राइट नाउ जो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में फिर आपको याद आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यूज ले रहे थे, कंटिन्यूस का मतलब होगा वर्ब के साथ में आई एन जी लगा देना, और एच वी कौन सी, इज, एम, आर, ये वाली एच वी काम में ली जाती हैं जब भी हम ऐसा कोई एडवर्बियल देखते हैं। तो माई सन कितना वचन है, ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें पता है कि इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, टॉकिंग, यानी जो दिया गया है वर्ब उसके साथ क्या लगाना है, आई एन जी। तो हो गया माई सन इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, मेरा बेटा अभी इस समय फोन पर है, यानी फोन कर रहा है, फोन पर बातें कर रहा है। ये देखो, डू दे बिलीव इन गॉड। पहली बात तो ये देखो, बिलीव देखते ही आप ऐसे पता कर लोगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा है बिलोंग, बिलीव है, बिलोंग है, सिम है, अपीयर है, ये सारे जितने भी हियर है ऐसे वर्ड होने पर उनके साथ आई एन जी नहीं लगता। दूसरी बात, इसमें तो सीधा दिया गया है डू दे, यानी डू डज से स्टार्ट हो गया। अब डू डज से स्टार्ट हो गया तो आपको ये सेंटेंस याद आ रहा होगा कि डू डज वाली स्ट्रक्चर कौन सी है। डू डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो उसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ऐसा आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो। तो यहाँ पे डू डज ऑलरेडी आ गया, चाहे डू आ जाए डज आ जाए, आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाती है, फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। इसलिए यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, बिलीव उतारना है यहाँ, और आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
तो याद रह जाएगा सब वो कि डूडज अगर बिगिनिंग में आता है तो आगे केवल क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। आगे लिखा माई वाइफ नॉट कुक फूड टूडे, आगे टूडे ये जो एडवर्बियल दिख रहा है टूडे आज, ये वाला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर है। सारे स्टूडेंट ऐसे याद रख लो, प्रेजेंट का सिंपल है तो उसमें एच वी डू डज होती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें इज आर एम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज हैव है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसमें एच वी के रोल रूप में हैज बीन हैव बीन ऐसे रोल करने वाली वर्ब हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट यहां पे ऐसे लिखा माई वाइफ नॉट कुक फूड टूडे, तो आप इस सेंटेंस को कैसे सरल करोगे, देखो नॉट कुक ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पे टूडे की वजह से हमें पता चला कि तीन वर्ब में से एक लेनी है। माई वाइफ यहां पे कितना वचन है, ऐसे ही पता चल रहा है, वाइफ जो यहां पे पत्नियां होती नहीं है, ऐसे अपने रूल्स नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे पत्नी है वो कितना वचन हुआ, एक वचन, तो हमें साथ में लेना इज। अब देखो नेगेटिव है तो आप लगाओगे नॉट, फिर आपको आगे कुक दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, कुकिंग, ऐसे आपको भरना है वर्ब इज नॉट कुकिंग, ये ऐसा आप सही भरोगे, इस तरह से आपका वर्ब भरा जाएगा। तो सेंटेंस आप पढ़ते जाइए और मालूम करते जाइए कि मैं कैसे पहचान कर लूँ कि इसमें फर्स्ट फॉर्म भरे, इसमें किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यू यानी इज एम आर भर करके उसे वर्ब के साथ आई एन जे लगाऊं, ये ध्यान रखना है। जैसे दिस बुक बिलोंग टू मी, अब इसमें कभी भी बिलोंगिंग यानी ये बिलोंग वर्ब दिख रही है ना, ये कभी भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि उसमें आई एन जी लगी हो। अब इसमें कोई एडवर्बियल नहीं दिया हुआ है, सीधा काम दिया हुआ है। पहचान करें तो जैसे टूडे देख करके हमने पहचान लिया, कभी डेली देख करके हमने पहचान लिया, कभी कोई एडवर्ब देख के पहचान लिया, इसमें तो कोई एडवर्ब भी नहीं है। तो हम एडवर्ब नहीं होने पर भी हमें जानकारी रहती है कि बिलोंग अपने इसी फॉर्म में रहती है। दिस बुक यहाँ पे एक वचन है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वचन के साथ में एस यस लग सकता है, लेकिन क्रिया कौन सी फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, बिलोंग्स ऐसे हो जाएगा बिलोंग्स। तो ये वर्ब, तो ये वर्ब कभी बदलती नहीं है। जैसे बिलीव आया था बिलीविंग नहीं होगा, बिलोंग आया बिलोंगिंग नहीं होगा, ऐसे हियर आया हियरिंग नहीं होगा, सिम आया सिमिंग ऐसे नहीं होगा। तो ये सारी वर्ब जो हैं वो किसी तरह से, जैसे थिंक है थिंकिंग नहीं हो रहा है, तो ये आपको कुछ मैंने वर्ब भी लिखाई थी कि जिनका कंटिन्यूस जो है वो नहीं बनता है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती हैं, अपना प्रेजेंट सिंपल में रहती हैं। अब देखो द सन शाइन ड्यूरिंग द डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है शाइन करता है, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस मैंने ये पहले एग्जांपल दिए थे कि सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ऐसे वाक्यों को हमने क्या कहा था कि ये यूनिवर्सल है। ये सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल ट्रू वाला है, ये ऐसा ट्रूथ है। तो यहाँ पर भी है कि सूर्य दिन के दौरान चमकता है, ये भी ट्रूथ ही तो है। तो ऐसे में आपको कौन सा वर्ब लेना पड़ता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कार्य करना है। यानी यहाँ पे जो दिख रहा है सन साइंस, तो आप यहाँ पे साइंस कर देंगे कि सूर्य जो है दिन के दौरान चमकता है। फिर लिखा ट्वाइस और टू बी फोर, दो और दो कितने होंगे, चार होते हैं। तो यहाँ पे बी के लिए मैंने ऐसे वर्ब निकाले थे कि बी जो है ना, बी का सिंपल जो यानी प्रेजेंट सिंपल है वो वर्ब बनती है इज एम आर। ये कंटिन्यूस में होती है जब इनके साथ आई एन जी लगता है, लेकिन इन्हें सिंपल में ऐसे करें ना कि वह किसान है, ही इज ए फार्मर, तो ये ही इज ए फार्मर जो आप सेंटेंस सुन रहे हो, आप कहोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पर ये बात पूछ रहा है कि दो और दो चार होते हैं, पहली बात तो ये फैक्ट है। मैंने ऐसे कहा था कि ऐसे कोई भी जो फैक्ट होते हैं कि दो और दो चार होते हैं, अपने जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कि पानी जो है वो 100 डिग्री पे उबलता है, इस प्रकार के साइंटिफिक बातें और अन्य मैथमेटिक जो भी बातें हैं, ये
रहेंगी कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेंगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालनी है, लेकिन बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, यानी बी का जो फॉर्म क्या निकलेगा। बी अपने आप में ही मूल फॉर्म है, देखो ओरिजिन फॉर्म तो है वो बी, और बी की बाद में ऐसे फॉर्म निकलती हैं, इज निकल गया, आर निकल गया, एम निकल गया, वॉज निकल गया, वर निकल गया, ऐसे वर्ब निकलती है, बीइंग है, बीन है, ऐसे वर्ब बनती जाती है बी की। तो यहां पे क्या लगाओगे, तो देखो स्टूडेंट पहली बात तो ट्वाइस, ये कितना वचन हुआ, एक वचन हुआ, ट्वाइस ऑफ टू। अब ऑफ के बाद वाला नहीं देखना, आपको पहले वाला देखना कि ये कितना वचन है। तो एक वचन है तो आप यहां पे लगाओगे क्या, इज। अब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टू इज फोर, यानी सही क्या भरा जाएगा यहां पे, इज सही भरा जाएगा। आगे है माय किड्स प्ले इन द गार्डन नाउ, देखो ये नाउ वाला जो आपको वर्ड दिख रहा है, ये एडवर्बियल जो है वो कौन से टेंस के लिए है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पीसी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें वर्ब होती है इज, एम और आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो देखो यहां कह रहा है कि मेरे बच्चे अभी बगीचे में खेल रहे हैं, मेरे बच्चे इस समय बगीचे में खेल रहे हैं, तो आप यहां पे बच्चे हैं, एक वचन नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, तो इज नहीं लोगे, क्या लोगे, आर लोगे, और खेलने का काम कर रहे हैं वो प्ले के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा यहां पे, आर प्लेइंग। ये सारी बातें मैं एक्चुअली पिछली क्लासेज में जब अपनी हुई थी सिंपल प्रेजेंट की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तब मैंने बताया है। आज अपने एक्सरसाइज सरल कर रहे हैं और आपको तुरंत से ये मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। जैसे दे नोट रीड इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, अब एवरी जैसे ही शब्द आया ना, तो आपको जानकारी होगी कि एवरी डे, एवरी एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी वीक, ऐसा एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ये एवरी एवरी जो शब्द आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट के लिए मैंने लिखाया था। वहाँ पे सारी बातें फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑलवेज, रेयरली, रेयरली, ये सब सारे जो मैंने आपको एडवर्बियल लिखा है वो यहाँ पर आपको याद करने। अब एवरी मॉर्निंग आ गया ना, तो निश्चित रूप से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अब एक वचन है तो क्रिया के साथ ऐसी है, बट यहाँ पे तो नेगेटिव है सेंटेंस है। अब नेगेटिव है तो निश्चित रूप से दो बातें आती हैं, जब भी नेगेटिव होता है तो उसमें सहायक क्रिया साथ में होती है, या तो डज नॉट या फिर डू नॉट। तो यहां पे दे एक वचन नहीं है, बहुवचन है, बहुवचन के लिए हमने क्या कहा था, डू नॉट, और आगे रीड दिया हुआ उतार दीजिए क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, डू नॉट रीड, तो ऐसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो खाली जो जगह दे दी, फिर यू दे दिया, फिर एक ब्लैंक दे दिया, फिर क्या, स्लीप। अब इससे क्या समझोगे, ऐसे कैसे पता करोगे कि ये मैं यहां पे क्या भरूं, कोई भी भर दीजिए सेट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस मिल रहा है तो आप जनरली अपने ऐसे बोलते हैं कि क्या तुम सो रहे हो, क्या क्या तुम सोते हो, ये सेंटेंस आपको अटपटा लगता है कि नहीं, क्या तुम सोते हो, तो जनरली सब सोते हैं। पर जब हम किसी को ऐसे बातचीत में लेते हैं और कोई सोया हुआ नजर आता है तो हम उसे कह रहे हैं कि क्या तुम सो रहे हो, तो अगला जगा हुआ है तो नहीं बोल देगा, वरना सो रहा है तो सो रहा है। पर इस स्थिति को कंटिन्यूस बोलोगे, और यहाँ पे कंटिन्यूस बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यू के लिए आर आ जाएगा और ये स्लीप के साथ में क्या जाएगा, आई एन जी लग जाएगा, स्लीपिंग हो गया, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो। तो सेंटेंस इस तरह से सरल कर लोगे आप। तो स्टूडेंट ये वाले 10 सेंटेंस आपने यहाँ पे सरल किए इस तरह से, पूरे वाक्य का भाव समझ करके। आगे क्या दिया देखो, रवीना डू हर होमवर्क एट दैट मोमेंट। अब एट द मोमेंट दिया ना, जैसे ही एट द मोमेंट दे, नवे डेज नीचे यहाँ पे दे रखा है, नवे डेज दे रखा है, कहीं पे ऐसे नव दे रखा है, टूडे दे रखा है, तो समझ जाइए कि वो टेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें वर्ब लेनी है इज, एम और आर, और क्रिया जो भी होती है ब्रैकेट में उसके साथ क्या लगाना, आईएनजी लगाना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रवीना डू हर होमवर्क एट द मोमेंट, रवीना के साथ में यहां पे क्या लोगे,
इजले हो गए, सॉरी हाँ रवीना इज, और डू जो दे रखा है उसके साथ क्या लगा दोगे, डूइंग। तो ये हो जाएगा रवीना इज डूइंग हर होमवर्क एट द मोमेंट। रवीना इस पल इस समय इस क्षण क्या कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है। चलो आगे देखिए, तनिषा वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट टू नव एड एज। अब नव एड एज है वो भी पीसी वाला ही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। आजकल तनिषा जो है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एक प्रोजेक्ट चला रखा है, ऐसा यहां पे सेंटेंस है। तो तनिषा भी कितना वचन है, एक वचन। एक वचन के लिए क्या लोगे, इज, और वर्क के साथ में क्या जोड़ दोगे, आई एन जी। लो जी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप जो है वो ये फिनिश कर दोगे, इज वर्किंग। आगे कहा आई रीड योर बुक सेवरल टाइम्स। देखो स्टूडेंट, जैसे ही सेवरल टाइम्स आए या ए फ्यू टाइम्स आए, मैनी टाइम्स आए, ऐसा अगर आता है तो निश्चित रूप से ऐसे समझो कि वो कार्य पहले कभी हो चुका है, बस उसका प्रभाव है वो वर्तमान में दिखता है। जैसे ही वो कार्य, यानी मैं बहुत बार ये देख चुका हूँ, मैं बहुत बार ये खा चुका हूँ, इसका मतलब काम तो पहले पूरा हो गया भूतकाल में, लेकिन वो वर्तमान की बात बोलता है। अपने कोई भी टीवी पे कोई सीरियल आ रहा है कि ये तो मैं पहले देख चुका हूँ। हम कहीं किसी भी चीज़ के ऐसे खाने को डिश दिखाई जाती है कि ये तो मैं बहुत बार खा चुका हूँ। कहीं किसी जगह को दिखाने ले जाते हैं तो ये तो मैं पहले देख चुका हूँ, ऐसा बोलेगा, देख चुका था नहीं बोलेगा। तो ऐसा अगर सेवरल टाइम्स आता है, यहाँ मैंने एक जगह और यूज किया मैनी टाइम्स आता है, ए फ्यू टाइम्स आता है, तो मतलब समझो कि वह टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पीपी। और प्रेजेंट परफेक्ट है जिसमें एच वी होता हैज, और क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो जैसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी ये पुस्तक बहुत बार पढ़ चुका हूँ, सेवरल टाइम्स। तो सेवरल टाइम्स बहुत बार पढ़ चुका है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हैव। और रीड जो थर्ड फॉर्म में रेड बोलोगे, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऐसी होती है। आई के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, क्योंकि इसमें दो एच वी है, एक तो हैज और एक हैव। मैंने ये साफ साफ बता रखा है कि आई आए तब कौन सा लेना होता है, हैव लेना होता है। तो ये यहां पे इस सेवरल शब्द के कारण, हम सेवरल टाइम्स के कारण ही हमें हैज हैव चुनना है। सी टीच इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रही है। अब देखो 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रही है, चाहे वह 2010 से पढ़ा रही हो, किसी भी भूतकाल पीछे के किसी भी समय से पढ़ा रही हो, लेकिन 10 सालों से पढ़ा रही है। तो यहाँ पे आपको ऐसे समय में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पीपीसी, जो लास्ट डे हमने ये टेंस पढ़ा था, और हमने ये कहा है कि जब एक वचन हो तो उसके साथ में क्या आना है, हैज बीन, और जो वर्ब होती है उसके साथ आई एन जी। ये देखो जी, हैज बीन टीचिंग। आपका ये खालिस्तान इस तरह से भरोगे, ये ब्लैंक कंप्लीट हो गया और सेंटेंस सही सही होगा, तो करेक्ट फॉर्म होगा। अब देखो इट ऑलरेडी, आई ब्लैंक इट ऑलरेडी, ऑलरेडी कौन से टेंस में है, तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा कौन से टेंस में, ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी पीपी में। प्रेजेंट परफेक्ट में मिलता है जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऐसे बहुत अन्य जो सो फार और अन्य शब्द मैंने आपको लिखा है, वो सब किस में है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब कौन सी वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब कौन सी, हैज हैव। तो यहाँ आई के साथ क्या लोगे, हैव यूज करोगे। इट जो है उसके साथ हो जाएगा थर्ड फॉर्म यानी ईटन, आई हैव ईटन ऑलरेडी, मैंने पहले से खाना खा लिया है, मैंने खा लिया, ऐसे बात कह रहा है। सी वियर दैट स्कर्ट मनी टाइम्स, देखो मैनी टाइम्स आया, सेवरल टाइम्स आया, मैंने अभी अभी कहा ऐसा होने पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मैंने ये स्कर्ट बहुत बार पहन लिया है, पहना था नहीं बोलेगा, मैंने बहुत बार पहना है। तो ऐसी स्थिति में आपको लेना होगा सी के साथ एक वचन, जो यहाँ पे सी एक वचन है, इसलिए यहाँ एक वचन वर्ब आएगी हैज,
और पहना है वियर को थर्ड फॉर्म में लोगे तो वॉन्ट, सी हैज वॉन्ट दैट स्कर्ट मैनी टाइम्स, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। आगे देखो, मनीषा वॉच टीवी सिंस 7 o'clock, मनीषा 7 बजे से टीवी देख रही है, तो समय आया ना ऐसे 7 o'clock, तो क्या दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है। अब सिंस 4 वाला आपको मैंने कल ही बताया कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जिसमें हैज बीन या क्या लेते हैं, फिर हैव बीन वर्ब यूज लेते हैं। यहां मनीषा एक वचन है इसलिए क्या लोगे, हैज बीन यूज लोगे, मनीषा हैज बीन, आगे क्या लगा दोगे, वॉचिंग, ऐसे हो जाएगा। इसमें मिस्टर नरेश नोट वर्क इन दिस कंपनी सिंस 1985, यहां मिस्टर नरेश जो है वो 1985 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है नेगेटिव आया, तो आप क्या करोगे, हैज बीन नहीं लिख करके हैज नॉट बीन लिख दोगे, और आगे जो वर्क है उसको ऐसे आप आईएनजी में डाल दो, हैज नॉट बीन वर्किंग, ऐसे ये कंप्लीट हो जाएगा। लिव हैज सिंस लास्ट ईयर, अब देखो लास्ट आने पर भी इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे लास्ट डे लास्ट वीक लास्ट ईयर जो भी ऐसे हो, तो आप ऐसे समझ जाओ कि ये तो हो गया जी सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट का सिंपल है, तो ऐसा हम अगले दिन जब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट उसमें मैंने लास्ट डे लास्ट ईयर ऐसे में काफ़ी एडवर्ब भी लिखाऊंगा उसका सीधा मतलब, पर यहाँ पे सिंस लास्ट ईयर दे रखा है ना, ये लास्ट ईयर ये तो भूतकाल का समय है, जैसे 1985 भी तो पुराना डेट है, ये भी तो भूतकाल है, पर जब भी कोई ऐसा फिक्स समय आता है तो उसके पहले सिंस लगता है। पर ये सेंटेंस जो है ये इस तरह से होगा कि वह पिछले साल से यहाँ रह रहा है, यहाँ पिछले साल से रह रहा है, ये बात अगर कहेंगे, अभी वो कंटिन्यू वहीं पे रहता है इसलिए रह रहा है, ये बात कहोगे तो क्या लिखोगे, ही हैज बीन लिविंग, ऐसे आपको लगाना है। जब भी आप आईएनजी लगाओ और अंतिम अक्षर ई आ जाता है तो उसको क्या कर दो, हटा दो। सी नोट फिनिश हर वर्क येट, ये देखो येट आ गया, येट इस बात की पहचान हो गई कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी हैज हैव हमें भरना है और हैज हैव भरना है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव भी दिया हुआ है, सी हैज, अब नोट पहले लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो फिनिश्ड आपको लिखनी है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको क्या कर लेना है, ये पूरा का पूरा सेट जो है वो इस तरह से आपको तैयार करना है, और आप स्वयं जो है 10 से 15 सेंटेंस हैं वो अपने नोटबुक में खुद तैयार करें और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।